सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। राजनीति में एंट्री को लेकर सब्रा चौधरी ने एक बड़ा खुलासा किया है। वो जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है जिससे न केवल उनके फैंस निराश होंगे बल्कि कईयों को झटका भी लगेगा। मशहूर हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी रविवार दोपहर बाद फतेहाबाद के भट्टू कला कस्बे में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची। उन्होंने करीब एक घंटे तक अपने लटके झटकों से दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम से सबसे पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो वे राजनीति में आने को लेकर खुलकर बोली। सपना चौधरी ने कहा कि अगर उन्हें किसी पार्टी का अच्छा ऑफर मिलता है तो वे अपने हुनर के मुताबिक पार्टी में काम करेंगे। उन्हें ना पार्षद बनना है और ना MLA की टिकट चाहिए और ना ही वो प्रधानमंत्री बनना चाहती है। वहीं कांग्रेस में जाने की चर्चाओं पर सपना बोली कि पहली बार उनकी कांग्रेस के शीर्ष कमान से मुलाकात नहीं हो पाई, दोबारा से बुलावा मिला है, अगर समय लगेगा तो वो जरूर जाएंगी। सपना ने मौजूदा हरियाणा सरकार पर कलाकारों की अनदेखी का आरोप लगाया। सपना ने कहा कि मौजूदा सरकार को कलाकारों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं है, बाकी मेरी कोशिश है कि कलाकारों के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाए। सपना चौधरी की मांग है कि हरियाणा में सरकार फिल्म सिटी बनाए, थिएटर बनाए ताकि हरियाणा का कलाकार अपने हुनर को पहचान दे सके। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अराइव 24 न्यूज, पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।